सारिक नैयर उर्फ फैजी बाबू के साथ हो रही है साजिश। क्या उनके परिजन पत्नी और भाई मिलकर भेजेंगे उन्हें पागल खाने? मेरे घर वालों के जरिए जो मेरा भाई है तारिक और मेरी वाइफ और मेरे फादर, ये लोग मिलकर मुझे पागल खाने भेज दिए थे जबकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आखिर क्यों सारिक नैयर उर्फ फैजी ने लाइव आकर बता दी अपनी सच्चाई? लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में आके उन लोगों ने ऐसा किया कि मेरे हाथ से, चूंकि मैं घर का बड़ा हूँ और मेरा भाई जो है तारिक, वो नहीं चाहता है कि मैं मालिक बन के रहूँ। क्या सारिक नैयर उर्फ फैजी हो रहे हैं बड़े साजिश का शिकार? चंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स सभी प्रकार के ब्रांडेड वायरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एकमात्र थोक एवं खुदरा विक्रेता, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर जीएम मॉड्यूलर। इसके अलावा हमारे यहाँ एंकर, हैवल्स, पॉलीकैप, ग्रेट व्हाइट जैसे सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रिक सामान थोक एवं खुदरा में उपलब्ध है। हमारा पता है चंद्रा कॉम्प्लेक्स, श्री नंदन होटल के पीछे। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान जिले के नगर थाना क्षेत्र के नया किला निवासी सारिक नैयर उर्फ फैजी बाबू बीते कई दिनों से लापता हैं, जिसको लेकर उनकी दूसरी पत्नी फातिमा तबस्सुम के द्वारा एसपी शैलेश कुमार सिन्हा को लिखित रूप से आवेदन देकर परिवार वालों के साथ अन्य लोगों पर संपत्ति विवाद में साजिश के तहत हत्या कर गायब करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस मामले में पीड़िता ने जिला प्रशासन से जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किला परिवार के नया किला निवासी चर्चित शारिक नैयर उर्फ फैजी बाबू अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ बताते हुए अपने भाई, पत्नी और परिवार वालों पर साजिश के तहत पागल खाने भेजने का जिक्र कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा वायरल वीडियो में किला परिवार के चर्चित फैजी बाबू ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शारिक नैयर उर्फ फैजी है। मैं सिवान का रहने वाला हूँ। आज तारीख 8 है। कुछ दिन पहले, 4-5 महीने पहले मुझे मेरे घर वालों के जरिए जो मेरा भाई है तारिक और मेरी वाइफ और मेरे फादर, ये लोग मिलके मुझे पागल खाने भेज दिए थे जबकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे कोई इस तरह का कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में आके उन लोगों ने ऐसा किया कि मेरे हाथ से, चूंकि मैं घर का बड़ा हूँ और मेरा भाई जो है तारिक, वो नहीं चाहता है कि मैं मालिक बन के रहूँ, इसलिए वो एक साजिश के तहत मुझे फंसाने के लिए इस तरह से करता है और उसने किया। और फिर मुझे इसी तरह से, फिर मुझे जब मैं बाहर आया 2 महीने बाद, तो फिर मुझ पर एलिगेशन लगा के मुझे फिर चाहा उन लोगों ने कि मैं मुझे फिर से भेज दिया जाए जबकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ।